हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक वीडियो के संबंधित लेके आए हैं, ये आप सबके लिए वीडियो कि अगर YouTube पे आप अपन वीडियो अपलोड करते हैं या आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए एक वीडियो बहुत खास ही अच्छी खासी है और आप इससे कुछ सीख सकते हैं। तो एक मेरी वीडियो पे जिसको कहते हैं कॉपीराइट क्लेम, ये हमेशा लिखा हुआ आता है। अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैंने बहुत सारी वीडियो मैंने पहले क्रिएट की हुई, मैं डालता हूँ और उस पर कॉपीराइट का हमेशा सभी पे आता है। तो मेरे पास एक वीडियो ऑलरेडी इसमें डली हुई है, 4-5 दिन की अपलोड की है, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है। तो चक्कर क्या है, कैसे क्या प्रोसेस है उसको डिलीट करने का, वैसे डिलीट नहीं होती वो, तो उसका डिलीट कैसे करते हैं फुल प्रोसेस में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपके पास अगर यूट्यूब बीच में शो होता है तो ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब लिख के सर्च कर सकते हैं, ठीक है, youtube.com पे। और उसके बाद इसको डेस्कटॉप साइड मोड पे ले लेते हैं। फिर ये कंप्यूटर की तरह काम करना शुरू कर देता है, इतना ही तो आपको पता ही होगा, ये सब जानते ही हैं कि अगर इसको डेस्कटॉप साइड कर देते हैं तो कंप्यूटर की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है फ़ोन, नहीं तो ये फ़ोन की तरह ये काम करता है। तो ऐसे ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड, आप थोड़ा इंतज़ार करें, ठीक है। तो जो आपका, मैं जूम कर लेता हूँ हल्का सा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका चैनल का जो लोगो है उस पर आपको ओके करना है, ठीक है, ओके कर दिया। उसके बाद आपको आना है यूअर चैनल, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो, मैं ठीक है मैं जूम और कर लेता हूँ। ओके किया, थोड़ा मैं पीछे करता हूँ, सॉरी पीछे ज़्यादा हो गया, तो मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ उसको, दोबारा से डेस्कटॉप साइड मोड पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो हल्का जूम रखूँगा क्योंकि ज़्यादा जूम होने की वजह से फिर वो दिख नहीं पा रहा था आपको कि ऑप्शन किस पे ओके करना है, ठीक है। तो थोड़ा स्लो नेट होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे मैं लोगो पे ओके करता हूँ। तो अब आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, मैं वीडियो को HD में अपलोड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप उसका जो HD क्वालिटी करके देख लें वीडियो को अच्छे से, ठीक है। तो ये देखना ही पड़ेगा आपको, यहाँ पे योर चैनल पे ओके कर देते हैं। हाँ, तो इस पर करने के बाद में डैशबोर्ड कुछ अलग तरीके से होता है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से डैशबोर्ड होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ और जो यहाँ पे लिखा ना कस्टमाइज चैनल, इस पर ओके कर दें। इस पर ओके करेंगे तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ये आपको डायरेक्ट जो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे उनके पास लेके चला जाता है, तो आप थोड़ा इंतज़ार करें, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिक आ चुका है, studio.youtube.com इस पर आ चुके हैं, तो थोड़ा आप इंतज़ार कर लें, ज़्यादा ना समय लें आप क्योंकि वो तो नेटवर्क के ऊपर है, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा आपका, आप ऐसे ही बने रहें वीडियो के साथ, थोड़ा इंतज़ार करें। ये आपका भी फ़ोन इतना ही टाइम लेगा क्योंकि जब कोई भी वीडियो इसमें पर समय लगता है तो ये बहुत टाइम लेता है। तो मैं थोड़ा इसमें थोड़ा और हल्का जूम करके इसमें लेआउट और ब्रांडिंग बेसिक इन्फॉर्म, तो इसमें तीसरा ऑप्शन है, मैं कंटेंट वीडियो, इस पर ओके कर देते हैं जिसमें कंटेंट लिखा होगा। कंटेंट का मतलब है कोई भी आप किस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अभी देखा देता हूँ मैं थोड़ा, देखिए यहाँ पे पब्लिक में जितनी भी वीडियो आई हुई हैं वो सभी किस तरीके से इसमें देख लेते हैं आप, यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर की अभी सभी वीडियो पब्लिक में आई हैं, उन पर नॉन नॉन लिखा हुआ है और कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ कॉपीराइट क्लेम की है, जो कौन सी है आप देख सकते हैं, इप्सन ने जो L3110 में नई प्रिंटर का वीडियो बनाया था उसके ऊपर है। तो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको डिलीट करना, तो यहाँ पे ये एक चेक मार्क का टिक आ रहा है, इस पर ओके कर दें। ओके करने के बाद में थोड़ा और इसको दबाए रखें, ठीक है, थोड़ा पीछे कर लेंगे और ये 3 डॉट पे ओके करें और यहाँ पे नीचे हल्का सा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डिलीट फॉरएवर, मतलब हमेशा के लिए डिलीट, यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद मैं थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं इसको और मैं इस जो चेक मार्क बना हुआ है परमानेंटली डिलीट दिस वीडियो, इस पर ओके करते हैं चेक मार्क और यहाँ पे जो ये डिलीट फॉर एवर पे ओके कर दें। ओके करने के बाद में आपके पास थोड़ा समय लगेगा, ये हमेशा के लिए जो वीडियो है यहाँ से डिलीट होके कहीं और, जो और भी नहीं जा सकती कहीं और, कम कहने का मतलब ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, कहीं और आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये यहाँ से अब आप दोबारा से एक बार ऊपर टैग पे जाके ओके कर लें और
मैं YouTube में डायरेक्ट आपको लेके गया हूँ, और मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा वीडियो था वो वीडियो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने वीडियो पे ओके किया, अब देखिए इसमें दूसरे नंबर पे वीडियो जो हेल्थ आईडी कार्ड की आपको दिख रही होगी वो हमेशा के लिए डिलीट हो चुकी है। तो ये आज की वीडियो आप सबके लिए थे, आपको कैसी लगी और कमेंट करके बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल होते हैं, डाउट होते हैं, तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप ग्रुप मैंने नीचे लिंक दिया उसको भी आप ज्वाइन कर लें, जिससे आपको आने वाले हर समय पर कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।